हमें यहाँ पर 480 और 720 का HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम 480 और 720 को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। तो पहले 480 को करते हैं। 480 सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 4, 2 4 8 and 2 0 0। सिमिलरली अगेन 2 से 2 12 24, फिर 2 से 2 60 120, फिर 2 से 2 30, फिर 2 से 2 15, फिर 3 से जगह 3 5 15 एंड 5 1 5, इससे लिख लेते हैं। अब सिमिलरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 720 की, तो अगेन 2 से जा रहा है 2 3 6। सिमिलरली 2 1 2 18 360, 2 90 180, फिर 3 से जाएगा 3 30 3 10, फिर 5 से जाएगा 5 2 and 2 1, तो इसे भी लिख लेते हैं। 480 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज, एंड सिमिलरली 720 को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। अब इनमें कॉमन चेक करते हैं, तो इनमें ये कॉमन है, 2 कॉमन है, और ये 3 और 5 भी कॉमन है, तो इनका HCF हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा 4 × 4 16 × 3 48, 48 5 हो जाएगा 5 8 40 5 4 240, तो इनका HCF आ जाएगा 240, इसे लिख लेते हैं। अब निकालते हैं इनका LCM। LCM निकालने के लिए हम 480 और 720 को साथ में फैक्टराइज करेंगे, तो इनको लिखेंगे साथ में, अब फैक्टराइजेशन करेंगे इनकी। तो ये 2 से डिविजिबल होगा पहले, 2 2 40 2 3 60, सिमिलरली 2 से फिर से जाएगा 2 120 और 180, फिर 2 से जाएगा 2 60 and 2 90, फिर 2 से डिविजिबल है ये अभी 2 30 और 2 45, अभी भी ये नंबर 2 से डिविजिबल है 30, 45 को एज इट इज रखेंगे, तो 2 15 30, 45 को एज इट इज रखते हैं। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से दोनों जा रहे हैं 3 5 15 एंड 3 15 45, अभी 3 से जाएगा तो हम 5 को एज इट इज रखेंगे 3 5 15, और ये 5 से जा रहा है 5 1 5 5 1 5, तो इन दोनों का LCM हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट, तो इसे लिख लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड LCM हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, जो कि है इक्वल 1440 के।